हेलो एंड वेलकम बैक टू किरण्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का वीडियो लेके आया हूँ। सिंपल टू मॉडरेट मैंने अभी लेवल रखा है, आहिस्ता आहिस्ता मैं इसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज़ करूँगा और कोशिश करूँगा कि रेगुलर बेस पे आपको ये वीडियो मिलते रहें, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम तक वो अच्छे से हो पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यू। व्हेन ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड सी इज़ एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, दिस विल बी गिवन बाय ए एंड बी। देखो, ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग रेशियो 3:2 है, इसमें एक नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा है जिसको 1/5 शेयर देना है। अब ये 1/5 शेयर ए और बी किस रेशियो में देंगे, हमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक नया पार्टनर आता है उस केस में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, अगर सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं बताया गया तो ओल्ड पार्टनर्स जिस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं उसी रेशियो में वो सेक्रीफाइस भी करेंगे नए पार्टनर को एकोमोडेट करने के लिए या उसका शेयर उसको देने के लिए। तो ए और बी किस रेशियो में वो शेयर देंगे, क्योंकि गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही आपकी क्या रहती है, हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हमारे ऑप्शंस थे इक्वली इन कैपिटल रेशियो, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नन ऑफ दीज। तो ये मैंने बता दिया कि अगर सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं लिखा होगा तो जो हमारी ओल्ड रेशियो है वही आपकी क्या रहेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड कैपिटल विल बी पेड टू पार्टनर्स इफ़ प्रोवाइडेड फॉर द पार्टनरशिप डीड ओनली आउट ऑफ, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन है कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो वो इंटरेस्ट हम कहाँ से पे करेंगे। ऑप्शन हमारे पास क्या हैं, ए प्रॉफिट, बी रिजर्व, सी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, डी गुडविल। तो जो भी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है वो आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है। अगर बिजनेस फर्म के पास प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो हमेशा वो आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। थर्ड इज यूजिंग विच मॉड्यूल द गवर्नमेंट एम्स टू क्रिएट सीमलेट एंड एफिशिएंट फंड ट्रांसफर मॉनिटरिंग यूटिलाइजेशन नेटवर्क फॉर द मल्टी करोड़ रुपी वैल्यू स्कीम। तो गवर्नमेंट ने जो मल्टी करोड़ वैल्यू स्कीम शुरू की है उसके लिए गवर्नमेंट कौन सा मॉड्यूल यूज़ करती है ताकि जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र कर पाएँ, उनकी मॉनिटरिंग की जाए और उनका यूटिलाइजेशन भी चेक किया जा सके। तो इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जो इसके लिए यूज़ की गई है। सो ऑप्शंस आर आरबीए, सीबीआई, सीड, एनएबीआरडी, नबार्ड या आरडीसीए। सो राइट आंसर इज़ नबार्ड। ये स्कीम गवर्नमेंट यूज़ करती है एफिशिएंट फंड यूटिलाइजेशन के लिए, उनकी मॉनिटरिंग के लिए और किस तरह से वो फ़ंड यूज़ किए जा रहे हैं उनको चेक करने के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन ए फर्म मेंटेन ए कैश बुक इट डज़ नॉट नीड टू मेंटेन, जब एक फर्म कैश बुक मेंटेन करती है तो उसको क्या चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ए जर्नल प्रॉपर, बी परचेज, सी सेल्स एंड डी बैंक एंड कैश अकाउंटिंग लेजर। तो दोस्तों, जब हम कैश बुक बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें एक कैश का कॉलम होता है और उसमें एक बैंक का कॉलम भी होता है। तो जब हमें कैश और बैंक का कॉलम कैश बुक के अंदर बना लेते हैं तो हमें कैश एंड बैंक एंड कैश अकाउंट की लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लेजर का काम ही वो हमारी कैश बुक कर रही है। तो हमें अलग से कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट की लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो राइट आंसर इज़ डी, बैंक एंड कैश अकाउंट इन द लेजर, इनको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ मैनेजर कमीशन इज़ ऑलवेज ट्रीटेड एज, मैनेजर्स की जो कमीशन होती है उसको हमेशा हम क्या ट्रीट करते हैं। देखिए, मैनेजर को जो कमीशन है वो साल के एंड में दी जाती है, इसका मतलब हम मैनेजर की कमीशन साल के एंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हमें कमीशन के बारे में पता ही नहीं है कि साल में के एंड में उसको कितनी कमीशन देनी है, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर अगर वो डिपेंड होती है तो प्रॉफिट जब हमें पता चलेगा साल के एंड में तभी हम उसकी कमीशन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो तब तक उसकी कमीशन को हम क्या मानते हैं, आउटस्टैंडिंग कमीशन, एक लाइबिलिटी मानते हैं, क्योंकि ये साल के एंड में हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट, तो साल के एंड में पे की जाती है। तो जब तक वो पे नहीं की जाती तब तक वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी रहती है। सो उसको हम एक आउटस्टैंडिंग मैनेजर की कमीशन हो, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन मानेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर डैश द अर्निंग कैपेसिटी डैश द ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। ये आपको खाली छोड़ी है जगह, हमें बताना है इसमें से कौन सी सही होगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे पास ऑप्शन है इंक्रीज रिड्यूस, बी रिड्यूस इंक्रीज, सी मेंटेन रिड्यूस, डी रिड्यूस मेंटेन। तो चलिए इसमें बात करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, ये हमारी क्या करता है, हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई मशीनरी लगाई तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगी, ज़्यादा प्रोडक्ट बनने से हमारी सेल भी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा सेल भी ज़्यादा होगी, तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करता है। और हमारी रिड्यूस करता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जब हम एक मशीन लगाएंगे, एक मशीनरी इंस्टॉल करेंगे, इसका मतलब
काफ़ी सारे लोगों का काम वो अकेली मशीन करेगी, तो इट मींस हमारी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं वो भी हमारे कम होंगे। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी और रिड्यूसिंग द ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ ए बिजनेस। सो राइट आंसर इज ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एन ऑटो डेबिट ट्रांजेक्शन इज मेड बाय द बैंक फॉर विच फर्म हैज़ गिवन अप्रूवल इन एडवांस, इट कॉजिंग ए वेरियंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक बुक, व्हाट शुड बी द रीजन फॉर द वेरियंस। एन ऑटो डेबिट ट्रांजेक्शन, ऑटो डेबिट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है ऐसी ट्रांजेक्शन जो बैंक से ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाती हैं, क्योंकि बैंक ने आपने बैंक को ऑथोराइज किया हुआ है वो अमाउंट काटने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन देना है तो आपकी इंस्टॉलमेंट अपने आप आपके अकाउंट से कट जाती है, तो क्योंकि आपने बैंक को ऑथोराइज किया हुआ है। तो अगर कोई ऐसी ऑटो डेबिट ट्रांजेक्शन होती है कि आपके बैंक से जो अमाउंट है वो कट जाता है, ये इट कॉजेज ए वेरियंस, ये वेरियंस कॉज करेगा यानी डिफरेंस कॉज करेगा बिटवीन कैश बुक एंड बैंक बुक, आपकी कैश बुक और बैंक की बुक में एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। व्हाट शुड बी द रीज़न फॉर द वेरियंस, उस वेरियंस का रीज़न क्या होगा। सो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ए ट्रांजेक्शन इन बैंक बट नॉट इन फर्म, बैंक में ट्रांजेक्शन होना लेकिन फर्म में ना होना, ट्रांजेक्शन इन फर्म बट नॉट इन बैंक, फर्म में ट्रांजेक्शन होना लेकिन बैंक में नहीं होना, ट्रांजेक्शन इन बैंक एंड इन फर्म, दोनों जगह ट्रांजेक्शन होना फर्म में भी और बैंक में भी, और डी ट्रांजेक्शन नॉट इन बैंक एंड नॉट इन फर्म, ना बैंक में ट्रांजेक्शन ना फर्म में। तो दोस्तों जब ऑटो डेबिट हो गया इट मीन्स बैंक में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई, लेकिन बैंक में रिकॉर्ड हुई फर्म में तो रिकॉर्ड नहीं हुई, क्योंकि ऑटो डेबिट है हमें तो पता ही नहीं चला कब वो पैसा कट गया। सो जो वेरियंस का रीज़न है दैट इज़ ट्रांजेक्शन इन बैंक, बैंक में तो ट्रांजेक्शन हो गई बट नॉट इन फर्म, फॉर्म में वो नहीं हुई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन फॉर विच ट्रांसफ़र वाउचर इज प्रिपेयर, इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है जिसके लिए हमें ट्रांसफ़र वाउचर प्रिपेयर करना होता है। तो ए पेमेंट ऑफ 10,000 टूवर्ड्स रेंट, ए रिसिप्ट ऑफ 15,000 टूवर्ड्स प्रोफेशनल फीस, ए क्रेडिट सेल ऑफ 5,000 टू राम, डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों हमें जो ट्रांसफ़र वाउचर प्रिपेयर करना होता है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट कंसीलिंग इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वायलेट्स द प्रिंसिपल, मैनेजमेंट जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपा रही है वो किस प्रिंसिपल को वायलेट करती है। ए मटेरियलिटी, बी फुल डिस्क्लोजर, सी कंसिस्टेंसी, डी नन ऑफ द दिस अबव। मटेरियलिटी का मतलब होता है ऐसी इन्फॉर्मेशन आप छुपा सकते हो जिसका कोई ज़्यादा इफेक्ट हमारे जो लेंडर हैं या जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं उन पर नहीं आता, जिनकी वजह से किसी का डिसीजन चेंज नहीं हो सकता। मतलब ऐसी छोटी इन्फॉर्मेशन जो अगर हम छुपा भी लें तो किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि वाइटल इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट कंसीलिंग इंपॉर्टेंट या वाइटल इन्फॉर्मेशन, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर कंसील करे या छुपाए मैनेजमेंट तो किस प्रिंसिपल को वायलेट करती है। तो आंसर इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, जो हमें यह कहता है कि आपकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनका आपको फुल डिस्क्लोजर करना है, मतलब आपको वो सारी की सारी बतानी है जितने भी आपके इंटरनल या फिर एक्सटर्नल यूजर्स हैं। सो आंसर इज बी यानी फुल डिस्क्लोजर। नेक्स्ट इज विच वन शो द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंसर्न फॉर ए पीरियड, इनमें से कौन सा है जो फाइनेंशियल रिजल्ट किसी कंसर्न यानी बिजनेस का फॉर ए पीरियड बताता है। ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सी बैलेंस शीट, डी नन ऑफ दीज। दोस्तों किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल जो रिजल्ट है वो हमें पता चलता है बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट वो होती है जो किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल रिजल्ट बताती है कि बिजनेस में के एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में जो गिवन होती हैं वो सारी की सारी उनको हम फाइनेंशियल रिजल्ट भी बोल सकते हैं। कि अगर हम कह रहे हैं कि फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है तो हमें क्या बताना है, बैलेंस शीट बतानी है। कि बैलेंस शीट में ही एक बिजनेस का सारा फाइनेंशियल रिजल्ट को जो भी प्रॉफिट, बिजनेस के एसेट्स, बिजनेस के लाइबिलिटीज़ के बारे में सब दिया होता है। तो फाइनेंशियल रिजल्ट बताने के लिए कोई भी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है सबसे पहले बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा होता है वो हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है जिसमें हम अपनी सिर्फ इनकम्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होती है वो होती है बैलेंस शीट जिसमें हम अपने एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और प्रॉफिट ड्राइंग सब के बारे में बात करते हैं। सो बैलेंस शीट जो है वो हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल रिजल्ट बताती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स वर्थ 5,000 ऑफ द प्रोपराइटर पेड बाय फर्म, प्रॉपराइटर यानी ओनर का इनकम टैक्स अगर फर्म पे कर रही है तो द अकाउंट इज टू बी डेबिट, तो किसको हम डेबिट करेंगे। तो सिंपल मैंने आपको बताया था कि ओनर अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा फर्म से या बिजनेस से निकाल रहा है तो उसको हम ड्राइंग्स कहेंगे, वो चाहे अपना उससे टैक्स भरे या कोई गाड़ी खरीद ले या किसी तरह भी उसको यूज़ करे, तो वो बिजनेस के लिए ड्राइंग्स हैं। तो उस केस में हम किसको डेबिट करेंगे, हमेशा ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया जाता है। सो राइट आंसर इज
सी मतलब ड्राइंग्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स ऑन बेसिस ऑफ। देखिए जो हम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का मतलब कि ऐसा प्रोविजन जो हमें लगता है, बैड डेट्स का मतलब सबसे पहले हो गया कि ऐसा पैसा जो डूब जाएगा, जो हमारा डूब गया है। बैड डेट्स का मतलब जो पैसा हमारा डूब गया, जो पैसा हमें वापस नहीं मिला। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब होता है ऐसा पैसा जिसके डूबने के चांसेस हैं, क्योंकि हर बिजनेसमैन को पता होता है कि कितना पैसा उसका रिकवर होगा कितना नहीं होगा। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया जाता है उसके लिए जो पैसा हमें लग रहा है कि आगे फ्यूचर में शायद रिकवर ना हो। तो वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? सो हमारे पास ऑप्शन हैं ए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बी कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, सी एक्रूवल कंसेप्ट, डी फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। तो वो बेस्ड है कंजर्वेटिज्म, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट हमें ये कहता है कि आप एक्सपेक्टेड लॉसेस को हमें रिकॉर्ड करना होता है लेकिन एक्सपेक्टेड गेन को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब हो गया आपका जो एक्सपेक्टेड लॉस, जो आपका पैसा जो डूब सकता है, अभी डूबा नहीं है, जो डूब गया उसको कहते हैं बैड डेट्स, और जिसके डूबने के चांसेस हैं, कोई ऐसा पैसा जिसको रिकवर ना होने के चांसेस हैं, उसको हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोलते हैं। तो ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट हमें कहता है कि जितने भी आपके एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं आप उनको रिकॉर्ड करोगे लेकिन एक्सपेक्टेड गेंस को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आपको बता दिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द मैनेजर इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% प्रॉफिट बिफोर इज कमीशन, द प्रॉफिट इज 9,000 देयर फॉर द कमीशन। ये तो बिल्कुल सिंपल है कि मैनेजर की कमीशन 10% प्रॉफिट का है, तो अगर आपके पास 9,000 का प्रॉफिट है तो इसका 10% आप कैलकुलेट कर लो तो वो आ जाएगा आपका 900। तो ये आपका आंसर आ गया बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स आर शोन इन। हमारे वो एक्सपेंस जो हमारी गुड्स की सेल से, यानी हमारे सेल से रिलेटेड एक्सपेंस है, वो उनको हम कहाँ शो करते हैं? ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी ट्रेडिंग अकाउंट, सी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डी बैलेंस शीट। तो हमारे जितने भी एक्सपेंस ऑन सेल हैं, सेल के ऊपर कोई भी एक्सपेंस होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे होते हैं वो सारे के सारे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। सो ए इज़ द राइट आंसर। ट्रेडिंग अकाउंट में हम सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस शो करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू नो द कॉजेज फॉर द डिफरेंस बिटवीन। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं जो हमारे डिफरेंसेस आए हैं उनका रीज़न जानने के लिए, और किसका डिफरेंस हमें देखना होता है? ए द बैलेंस एज पर कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक। हमारी जो कैश बुक है उसके कैश कॉलम का डिफरेंस पासबुक के साथ। बी द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक। हमारी जो कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम है उसको हम अपनी पासबुक के साथ कंपेयर करते हैं। सी बोथ ए एंड बी। तो हम जो भी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें जो भी डिफरेंस के रीजंस होते हैं वो हम किस में देखते हैं? हमारी जो द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, हमारा जो कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम है उसको। तो राइट आंसर इज बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड ऑन कॉन्ट्रा एंट्री व्हेन। एक ट्रांजेक्शन को हम कॉन्ट्रा कब बनाते हैं? ए कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, अगर हमने बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ किया। बी चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड, हमें कस्टमर से चेक रिसीव हुआ और हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सी कैश ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, हमने बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ किया। डी नन ऑफ दिस। तो कॉन्ट्रा एंट्री हमेशा जो हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से फॉर ऑफिस यूज़ के लिए, उसके लिए हमेशा हमें कॉन्ट्रा बनानी होती है। सो राइट आंसर इज सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज शोज ए डैश बैलेंस। देखिए परचेजेस अगर आप जनरल एंट्री बनाते हो तो कोई गुड्स परचेज करते हो तो आप लिखते हो परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, आपने गुड्स खरीदी कैश देकर, तो परचेज हमेशा डेबिट में आती है। लेकिन जो उसकी रिटर्न है, परचेज रिटर्न जिसे हम कहते हैं या रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, वो हमेशा क्रेडिट में आती है। सो परचेज रिटर्न का हमेशा ही क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। सो राइट आंसर इज बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करें। When a liability is reduced or decrease, it is recorded on the। जब एक liability reduce कम होती है या decrease होती है तो इसको हम किस तरफ record करते हैं? देखिए दोस्तों एक जो liability है उसका हमेशा credit side credit balance होता है। मतलब एक liability जब increase होती है तो credit side में आती है, decrease होती है तो debit side में आती है। अब क्वेश्चन ये था कि when a liability is reduced or decrease, it is recorded on।
तो ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगी, ये तो पक्का है। और डेबिट साइड को लेफ्ट साइड भी कहते हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए डेबिट साइड या फिर लेफ्ट साइड। तो देख लेते हैं इसमें ये आंसर है या नहीं। पहला है लेफ्ट और क्रेडिट साइड, तो ये आंसर नहीं है। दूसरा राइट और डेबिट साइड, ये भी नहीं है। राइट और क्रेडिट साइड, ये भी नहीं है। तो नन ऑफ दिस, क्योंकि हमारा आंसर क्या था मैंने अभी बताया, लेफ्ट या फिर डेबिट साइड। तो इनमें से कोई भी लेफ्ट या फिर डेबिट साइड नहीं है, तो नन ऑफ दिस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो ड्यू हो गई लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, वो हमारे लिए क्या है। ए एन एसेट, बी ए लाइबिलिटी, सी एन एक्सपेंस, डी एन इनकम। ऐसी कोई भी इनकम जो अभी आपको रिसीव नहीं हुई उसको हम एन एसेट बोलेंगे। एन इनकम तब बोला जाता है, डी पार्ट में एन इनकम लिखा है, जब वो इनकम हमें रिसीव हो जाए। एक्रूड का मतलब कि ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी नहीं मिली। तो ऐसी कोई भी इनकम जो ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुई, वो हमारे लिए एक एसेट है। और जब वो रिसीव हो जाएगी देन इट विल बिकम एन इनकम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर। हमारे जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर, उसमें हम क्या बना सकते हैं। ए लेजर अकाउंट, बी ट्रायल बैलेंस, सी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, डी नन ऑफ दिस। जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट हैं। तो लेजर तो उससे नहीं बन सकते, क्योंकि इनकम्प्लीट का मतलब जहाँ पर हम एक ट्रांजेक्शन सिर्फ ट्रांजेक्शन का एक एस्पेक्ट लिखते हैं, डेबिट या क्रेडिट। तो लेजर में तो दोनों एस्पेक्ट लिखे जाते हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी, तो लेजर नहीं बन सकती। ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखे जाते हैं, तो वो भी नहीं बन सकता। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऐसा है जिसमें सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लिखे जाते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के हमारे जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हैं उसमें से हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना सकते हैं। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। स्टॉक ओन्ड बाय फर्म आर क्लासिफाइड एज। फर्म के पास जो स्टॉक है, जो कस्टमर को बेचने के लिए स्टॉक होता है, उसको हम क्या कहते हैं। ए फिक्स एसेट, बी करंट एसेट, सी करंट लाइबिलिटी, डी नन ऑफ दिस। तो स्टॉक, क्योंकि आपको पता है कोई भी हमारे पास स्टॉक है नॉर्मली वो एक साल के अंदर हम उसको सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं या बेच देते हैं। तो ऐसा कोई भी एसेट जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको हम करंट एसेट बोलते हैं। सो हमारे पास जो स्टॉक है हमारे लिए क्या है, करंट एसेट। फिक्स एसेट होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं आने वाले सालों के लिए, उनको हम फिक्स एसेट कहते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज तो हमारी ऑब्लिगेशंस होती है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। सो राइट आंसर इज बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी बैलेंस शीट, डी ऑल ऑफ दिस। तो जितने भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं वो सारे के सारे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, और बैलेंस शीट में तो हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा है जिसमें हम सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये किसके ऊपर बेस्ड है। ए कॉस्ट कंसेप्ट, बी सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, सी डुअल एस्पेक्ट, डी एक्रूअल कंसेप्ट। तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है, क्योंकि आप सबको पता है कि एक ट्रांजेक्शन जो है वो दो जगह रिकॉर्ड होती है, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं डेबिट और क्रेडिट। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में एक ट्रांजेक्शन को हम दो जगह लिखते हैं, वो एसेट्स की दो साइड एसेट्स में हो सकता है या फिर एसेट लाइबिलिटीज़ या कैपिटल में भी हो सकता है। तो एक ट्रांजेक्शन जब दो जगह रिकॉर्ड होती है तो उसको ड्यूअलिटी एस्पेक्ट कहते हैं, और अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी जो है ड्यूअलिटी एस्पेक्ट को फॉलो करती है। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन। कैश डिस्काउंट किस चीज़ पे प्रोवाइड किया जाता है। ए प्रॉम्प्ट पेमेंट, बी सेल, सी परचेज, डी नन ऑफ दिस। तो कैश डिस्काउंट वो होता है जो जब हमें कोई टाइम से पहले विद इन टाइम कोई पेमेंट करता है या हम किसी को पेमेंट करते हैं उस वक्त हमें डिस्काउंट जो मिलता है या हम किसी को देते हैं वो हमारा कैश डिस्काउंट होता है। तो कैश डिस्काउंट हमें तब मिलता है या हम किसी को तब देते हैं जब टाइम से पहले हम किसी को पेमेंट करें। सो राइट आंसर इज प्रॉम्प्ट पेमेंट। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर फ्रॉम। हम ट्रायल बैलेंस को कहाँ से बनाते हैं। ए जनरल, बी लेजर, सी लेजर फोलियो, डी जनरल फोलियो। तो ट्रायल बैलेंस आपको अकाउंटिंग प्रोसेस पता है, सबसे पहले जनरल बनती है, जनरल के बाद लेजर बनती है, और लेजर के बाद क्या बनता है ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस किस चीज़ के बाद बनता है, लेजर के बाद। सो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज ईच अकाउंट इन लेजर इज ओपन इन सेपरेट। हर अकाउंट जो है उसको हम सेपरेट किस पे खोलते हैं, सेपरेट रजिस्टर, सेपरेट बुक, सेपरेट जर्नल या सेपरेट पेज। तो हर अकाउंट जो है वो सेपरेट पेज पे खोला जाता है, सेपरेट रजिस्टर या बुक या फिर जर्नल पे नहीं खोला जाता। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड। जब हम कोई ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। ए कॉस्टिंग, बी पोस्टिंग, सी जर्नलाइजिंग, डी रिकॉर्डिंग।
तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज परचेज बुक इज आल्सो नोन एज। परचेज बुक को हम क्या कहते हैं? ए इनवाइस बुक, बी बॉट बुक, सी सेल्स बुक, डी बोथ ए एंड बी। तो परचेज बुक को ए इनवाइस बुक भी कहते हैं, बी बॉट बुक भी कहते हैं। सो आंसर इज डी बोथ ए एंड बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इफेक्टेड बाय। हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो किससे इफेक्ट होता है? ऐसा कौन सा रीजन होता है जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस जो है मिसमैच होता है? ए वन साइडेड एरर, बी टू साइडेड एरर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो भी ट्रायल बैलेंस है वो हमेशा जो है वन साइडेड एरर के कारण मिसमैच होता है। टू साइडेड एरर अगर होगा तो उसमें कई बार वो ऐसा नहीं है कि हमेशा वो मिसमैच हो, कई बार वो मैच भी होता है। तो हमेशा ही जब भी हमारा ट्रायल बैलेंस मिसमैच होगा उसका रीज़न सिर्फ एक ही होगा कि वन साइडेड एरर, कि एक ट्रांजेक्शन को सिर्फ एक ही साइड में लिखा गया है, डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड, उसकी वजह से हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो मिसमैच करता है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द लास्ट इज द एग्जीक्यूटिव विल बी पेड इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर। जो है किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसको जो एग्जीक्यूटर है उसको हम इंटरेस्ट पे करते हैं किस रेट पे? ए 4%, बी 5%, सी 6%, डी 7%। तो जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका जो कैपिटल है वो लोन में कन्वर्ट हो जाती है। और मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर लोन देता है या उसकी कैपिटल लोन में कन्वर्ट हो गई उसको एट द रेट 6% में इंटरेस्ट देना होता है। सो सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज़। बहुत जल्द मैं नेक्स्ट 30 एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो हम प्रिपरेशन करते रहेंगे एग्जाम तक सो दैट आपका एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट हो पाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।